वहीं राजधानी लखनऊ में विभूति खंड पुलिस ने अंतर्राज्यीय जनपद दो शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि गिरफ्तार शातिर चोर दिन में कूड़ा बीनने और रात को चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। साथ ही दोनों के पास से पुलिस ने 10 किलो और 50 ग्राम चांदी बरामद की है। जानकारी के अनुसार पकड़े गए दोनों आरोपी जमाल और चांद बादशाह असम के रहने वाले हैं, जो कि रहवासी क्षेत्र में घूम घूम कर बंद मकान और ज्वेलर्स की दुकानों का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। इसके अलावा पकड़े गए आरोपी जमाल के खिलाफ ठाकुरगंज थाने में 10 और विभूति खंड थाने में एक मुकदमा दर्ज पहले से ही है। इसके तहत ही पुलिस इन चोरों गिरोह के लिए अन्य दो साथियों की तलाश में जुट गई है। लखनऊ से रेहान वारसी की खास रिपोर्ट। ये बोगईगांव आसाम से गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से 10.5 किलो चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं और 14,000 नकदी बरामद की गई है। वहाँ से इनको कोर्ट में पेश करने के बाद में रिमांड पर लेकर के आया गया है, ट्रांजिट रिमांड पर, और यहाँ कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये शातिर बदमाश हैं, यहाँ पर स्लम में रह रहे थे थाना चिनट के अंदर। इनके दो साथी रफीक और मैनुद्दीन अभी भागे हुए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है और जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी की जाएगी।